हेलो फ्रेंड्स, री नीटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज ये मैंने 12 से 14 साल की लड़की की ये जैकेट बनाई है। ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर जैकेट बनी है। और इसमें जो ये मैंने पैटर्न बनाया है ये भी मैं आपको बताऊंगी ये हमें कैसे बनाना है। और ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है और मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ इसका पैटर्न हमें ये कैसे बनाना है। तो आज इस वीडियो में आपको इसका मेजरमेंट बताऊंगी पूरा कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं बैक साइड से। ये देखिए, ये बैक साइड है हमारी। और बैक साइड में हमने स्टार्टिंग में इसमें कितने फंदे डाले हैं ये मैं बताती हूँ। इसमें हमने फंदे डाले हैं 100, पूरे 100 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। और मैं ये आपको ऊन भी दिखा देती हूँ। ये जो फैदर की प्लाई वाली ऊन आती है इससे मैंने ये बनाई है। आप इसको नॉर्मल ऊन से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने ये इससे बनाई है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर आई है। तो मैंने 100 फंदे इसमें बॉर्डर में डाले थे और पूरे ऊपर तक इसमें 100 ही है, यहाँ तक जहाँ तक ये इसके मुड्ढे बने हैं। तो मैंने इसमें बढ़ाए घटाए कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमने 100 फंदे डालकर इसमें बनाया है बॉर्डर। ये लगभग 2 इंच का बॉर्डर है। ये मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ इसका बॉर्डर हमने। ये देखिए, पूरा 2 इंच का है। ये मैंने 10 सिलाइयों में बनाया है इसका बॉर्डर। तो अब आगे देख लेते हैं हमें कैसे बनाना है। आगे हम इसके सबसे पहले लंबाई देखेंगे पूरे स्वेटर की कितनी लंबाई है हमारी। ये देखिए, ये 21 इंच इसकी लंबाई है। फुल स्वेटर की जो लंबाई है 21 इंच है। और अब हम देखेंगे मुड्ढे हमने कितने दूरी पर छोड़े हैं। ये 15 इंच पर हमने मुड्ढे छोड़े हैं। अगर हम इस तरह नापेंगे तो ये 2 A 2, तो 2 ग्लान पर मैंने ये छोड़े हैं। और इसकी जो लंबाई है ये 16 इंच पर है। और जो ये मैंने यहाँ पर छोड़े हैं इसके मुड्ढे कटिंग की है तो ये 3 2 1, पहले 3 2 1 के इसमें मैंने ये मुड्ढे इसकी कटिंग की है। तो ये हमारी बैक साइड कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने ऊपर तक इसको पूरा एक साथ रखा है, इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाया। तो अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड। ये देखिए, फ्रंट साइड है हमारी। मैंने इसमें अभी बटन नहीं लगाए क्योंकि अभी ये मैंने तैयार की है और बटन लाकर मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे फंदों की। नीचे से पीछे हमने 100 फंदे डाले थे तो इसमें हमने एक साइड डाले हैं 60 फंदे, क्योंकि हमें इसका हाफ डालना है और 10 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं इसकी बटन पट्टी के। तो ये 60 फंदे मैंने इस साइड डाले हैं और 60 फंदे इस साइड। तो ये हमारे 120 फंदे हो गए हाफ हाफ करके। तो ये 50 इसमें आ गए और 10 हमारे बटन पट्टी के, तो 60 फंदे हमने ले लिए। तो ये भी हमने इसके जो ये मुड्ढे छोड़े हैं ये भी सेम हमने 15 इंच पर ही छोड़े हैं। और 2 गिलान पर जैसा पीछे का मेजरमेंट है सेम ऐसे ये आगे का है। और मैं इसमें आपको गला बता देती हूँ। गला हमने क्या किया है, जितना जहां पर हमने मुड्ढा स्टार्ट किया था कटिंग करना वहीं से ही हमने गला भी स्टार्ट किया है। ये मैंने गला भी यहीं से ही स्टार्ट कर दिया, ये मुड्ढे की लाइन में से ही सेम जहां से हमने ये मुड्ढा बनाया गला भी यहीं से बनाना शुरू किया है। तो इसकी गले में कटिंग हमने कैसे की है, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना स्टार्ट कर दिया, इधर भी और इधर भी। यहाँ मुड्ढे की सिलाई से ही हमने एक एक फंदा इस तरह घटाते चले गए। और इसमें हमारे यहाँ जाकर बचे हैं पूरे 24 फंदे। 24 फंदे तक हमें ये घटाते जाना है। और जो ये बटन पट्टी है ये हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। ये 10 फंदे हैं, ये हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। और ये बैक साइड में भी मैंने ये पूरी बना ली है और इसको फिर से मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया है। जो आगे का ये पीछे का जो ये हिस्सा है यहाँ पर जो फंदे हमें घटाने थे मैंने वो इसके साथ ही टच करके सील दिए हैं। जो ये बटन पट्टी इसको मैं राउंड करके यहाँ तक ले आई, ये देख सकते हैं यहाँ मैंने जोड़ लगाया है। तो यहाँ तक मैंने ये बटन पट्टी सीधी बना ली थी और यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया। तो ये गला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस ये ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे 24 फंदे छोड़े हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो अब हम बताएंगे बाजू, बाजू हमें कैसे बनानी है। अब ये इसमें हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले हैं 50। 50 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले हैं और 2 इंच का बॉर्डर बना लिया सेम वही। अब हम इसकी लंबाई देख लेते हैं कितनी है।
ये देखिए 18 इंच इसकी पूरी लंबाई है। तो ये भी आप लंबी या छोटी बना सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से थोड़ी। तो इसमें मैंने ऊपर जाकर 80 फंदे बढ़ा दिए, जो ये कटिंग है हमारी, यहाँ पर हमारे 80 फंदे हैं और यहाँ नीचे हमारे 50 फंदे थे, तो इसमें मैंने 30 फंदे बढ़ाए हैं। 30 फंदे बढ़ाने का मतलब है हर चौथी सिलाई में, पांचवी सिलाई में मैंने इसमें दो दो फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि ये तभी इसकी शेप इस तरीके से जाएगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा हैवी है तो आप इसको यहाँ से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने ये पांचवी सिलाई में दो दो फंदे दोनों साइड से, एक फंदा इधर और एक इधर, दोनों साइड से बढ़ाया है। तो यहाँ ऊपर आकर हमारे 80 फंदे हो गए। तो 80 फंदे होने के बाद मैंने फिर यहाँ पर इसकी कटिंग की है, ये 3 2 1 की कटिंग की है, जैसे मैंने मुड्ढे में किया है सेम वैसे ही 3 2 1 की कटिंग करके फिर मैंने सभी फंदे घटा दिए। तो ये इसकी शेप भी बन जाती है और इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब हम आते हैं इसकी पॉकेट पर। पॉकेट भी देखिए, ये मैंने यहीं पे ही बना दी है इसकी। सबसे पहले हमने इसके ये यहीं से ही फंदे उठाए हैं। ये 24 फंदों पर मैंने इसकी पॉकेट बनाई है, 24 फंदे यहीं से ही उठा लिए और ये मैंने बना लिया। ये देखिए, ये लगभग, इसको भी देख लेते हैं नाप कर कितने इंच की पॉकेट बनाई है। ये 4 इंच की हमारी पॉकेट है। तो ये जब मैंने बॉर्डर बनाया है सेम यहीं से ही, बॉर्डर स्टार्ट करने के बाद जब पैटर्न स्टार्ट किया तो पॉकेट बनानी भी यहीं से स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों ये अब हम इसकी देख लेते हैं बटन पट्टी। बटन पट्टी ये मैंने 10 10 फंदों से बनाई है, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10 10 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे। अब मैं इसमें बताऊंगी आपको ये जो काज बनाए हैं ये मैंने हर 12 सिलाई के बाद काज बनाए हैं, 12 12 सिलाई के बाद। ये देखिए, मतलब कि 12th रो के बाद मैंने ये इसमें काज बनाए हैं। तो मैं इसमें बटन भी लगा लूंगी, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगी। जो ये गले की इसकी शेप आई है, ये वी शेप आई है, देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही अच्छी ये स्वेटर बनी है। तो दोस्तों आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, इस पैटर्न से अपनी बेटी की स्वेटर जरूर बनाना और फिर मुझे कमेंट करके बताना ये आपको कैसी लगी। और मेरी ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।